चोरा मेरे मज पम्मण मणि सिखाप दंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम्मण मणि सिखा वी द पीपल हम भारत के लोग पैसा नहीं देना है। ये जब से वी द पीपल के लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि हमको पैसा किसी को भी नहीं देना है, आप कोई पैसा किसी को मत दीजिए, सारा पैसा हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए जहर है, हमारा दिया हुआ पैसा हमें ही नुकसान दे रहा है, तब से बहुत सारे नेताओं की नींद उड़ गई है और वो बड़े बेचैन और बड़े परेशान हैं। और वो कई नेताओं का जो मैसेज है वो ये भी आया है कि देखो अच्छे जो लोग हैं उनका पैसा मत रोको। भाई जो अच्छे लोग हैं उसको कौन तय करेगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पैसे की आवश्यकता है किस लिए? कोई संगठन है, सामाजिक संगठन है या सरकारी कर्मचारियों का संगठन है या राजनीतिक संगठन है या जो दलबल लड़कों का है, वो पैसे का क्या करोगे? पैसे का लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये वी द पीपल समर संघ ने सिद्ध कर दिया है। वी द पीपल समर संघ ने जो संगति लगाई उस संगति में ये कहा गया कि आप अपना खाना साथ लेके आए, यानी पराठे लाने हैं और अचार लाना है बस, और अचार ही लाना है, सब्जी नहीं लानी है, ताकि अचार आपस में मिक्स हो जाए और पराठे मिक्स हो जाएंगे। और ये कहा गया कि अगर आप चार पराठे खाते हैं तो दो एक्स्ट्रा लाएं, क्योंकि कुछ साथी बाहर से आएंगे, हो सकता है वो जल्दी चलें अपने पराठे ना लेके आ पाएं, या हो सकता है कोई बीच रास्ते से आ जाएं, तो उनके लिए भी खाने का अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसे 200 लोगों की संगति लगी और 200 लोग खाना लेके आए, और 200 लोगों में से कुछ जो दूर से आए वो खाना लेके नहीं आए, मगर खाना बच गया, यानी हर एक व्यक्ति दो दो पराठे फालतू लाया था, कई कई तो 10-10 पराठे लाए थे, सारा अचार मिक्स हुआ, सबने मिल के खाया, बैठ के खाया, और सब अपने किराए से आए और अपने किराए से चले गए। और एक 150-200 रुपए का बैनर था, वो कोई भी लगवा सकता है, उसकी भी आवश्यकता इतनी है नहीं। तो पैसे की आवश्यकता मीटिंग में पड़ी कहाँ, किस बात के लिए पैसा चाहिए? दरअसल जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो उनकी लत है, वो उनकी आदत है, वो उनका धंधा है। वो जो मेंबरशिप लेते हैं वो उनका धंधा है, वो चंदा जो है वो उनका धंधा क्यों है? तो उनको गाड़ी चाहिए आने के लिए, क्योंकि वो नेता है। अब वी द पीपल में तो कोई नेता है नहीं, वी द पीपल तो डिक्लेयर कर चुका है कि वी द पीपल समर संघ है, और संघ में कोई नेता नहीं होता, संघ का नेता संघ होता है, इसलिए यहाँ गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है। जब नेता ही नहीं है तो बैठेगा कौन उसमें? तो नेता जो होता है उसको सबसे पहले तो एक बड़ी गाड़ी चाहिए, जो कम से कम 40-50 लाख की हो, स्टेटस है उसको चाहिए, फिर उसको मोबाइल चाहिए बड़ा, फिर उसको पैसा चाहिए खर्च करने के लिए होटल में रुकने के लिए, फिर उसको हवाई जहाज के टिकट चाहिए, रेल में टिकट चाहिए, फिर उसको अपने खर्चे के लिए भी पैसा चाहिए। कमाता तो है नहीं, हमारे यहाँ नेता नहीं कमाता, हम कमा कमा के उसको दें और उसके घर को चलाएं, उसके खर्च को चलाएं, और उसकी अय्याशी चलाएं, उसके हम जो पैसे हैं उसके जो कपड़े हैं उनको हम चलाएं, उसकी जो एसेसरीज है उसकी घड़ी है उसका पेन है उसका चश्मा है उसकी टोपी है उसके लिए हम पैसा दें, ये सब पैसा हम दें, और ताकि वो नेतागिरी करता रहे। जबकि हमसे वो उसने पूछा नहीं है कि मैं आपकी नेतागिरी के लायक हूँ भी या नहीं, या कभी हमने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया कि तू हमारी नेतागिरी के लायक है या नहीं, या तू कुछ कर भी सकता है या नहीं, बस अपने आप नेता बन जाते हैं। धंधा है, लाखों लोग इस पे चल रहे हैं, जो कुछ नहीं करते वो ये कहते हैं हम यही कर रहे हैं। एक जो वियतनाम का यहाँ आया था राष्ट्रपति, उसने ये पूछा यहाँ के लोगों से कि आप करते क्या हो, तो कह रहे हम तो राजनीति करते हैं। भाई राजनीति तो ठीक है, काम क्या करते हो? कह रहे काम कुछ नहीं, यही राजनीति है। भाई रोटी कहाँ से खाते हो? ये यहीं से खाते हैं जी, राजनीति से। तो भाई यहाँ एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है कि राजनीति से, और ये जो सामाजिक संगठन है, जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, ये धार्मिक संगठन है, इससे लोग अपना परिवार अपना घर चला रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, वो समाज में कोई क्रांति व्रांति पैदा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पैसे को बंद करो आप, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये जो 4 लाख संगठन हैं, पैसा तो 31 लाख बताए जाते हैं, 29 लाख हमारे हैं और जिसमें 4 लाख एक्टिव हैं, तो 4 लाख जो सारे संगठन हैं अगर इनको इकट्ठा करना चाहते हो और इन सबको एक साथ आना चाहते हो और अपने अधिकारों को बचाना चाहते हो तो पैसा देना बंद कर दो। तो क्या होगा पैसा देना बंद करने से? एक तो आपको ये पता चलेगा कि इनके पास पैसा बंद करने से ये इकट्ठे होते हैं या नहीं होते हैं। जब पैसा नहीं है तो चल कैसे रहे हैं? हो सकता है कुछ आदमियों को बाहर से पैसा मिल जाए जो आप ना दें, तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से पैसा ले रहा है तो वो हमारा नेता हो कैसे सकता है? वो हमारा नेता है नहीं, तो ये भी पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का संबंध बाहर से है या नहीं है। तो जो लोग सच में काम करने वाले होंगे, जो अच्छे काम करने वाले होंगे, वो तुरंत एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि समाज क्या कहता है, वी द पीपल क्या कहता है, समर संघ क्या कहता है, पैसा देने के लिए मनाही नहीं है, पैसा आपके रखे हुए हैं, जो बाबा साहब ने कहा है 5% देना है देने को तैयार हैं,
मगर देंगे तब जब सब इकट्ठे होके आएंगे। राजनीतिक लोग इकट्ठे होके आइए, धार्मिक लोग इकट्ठे होके आइए, जितने भी सामाजिक संगठन है सब एक बनाइए, जितने भी ये दल बल सेना संगठन है सब एक बनाइए, जितने भी ये आर्थिक संगठन चल रहे हैं सबको एक बनाइए, पहले एक बनाइए। जब एक बन जाएंगे उससे हमारा भला होगा, तब पैसे देने का फायदा है। वरना तो हमें क्या सिखाते हैं, हमको सिखाते हैं कि देखो जितना मंदिर पर पैसा जाता है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। मंदिर मंदिर को हम नहीं जानते भाई, हम तो ये जानते हैं कि जो लाखों संगठनों को हम पैसा दे रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। जो हम लाखों संगठनों को बढ़ा रहे हैं उससे हमारे बाबा साहब जितने अधिकार ले गए थे वो सब चले गए। जो लाखों संगठनों को हम पैसा दे रहे हैं, अलग अलग मठ बना रहे हैं भिक्खुओं के, अलग अलग सरकारी कर्मचारियों को पैसा दे रहे हैं, अलग अलग सामाजिक कर्मचारियों को पैसा दे रहे हैं, वो सब हमें ख़त्म कर रहे हैं और सब ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो हमारे सारे अधिकारी चले गए, अब हमारे पास ना नौकरी है, ना कहीं प्राइवेट क्या बोलते कोई काम मिलने वाला है, ना सरकारी मिलने वाला है, सब खत्म हो चुका है हमारा। तो वो जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो बड़े तिलमिलाए हुए हैं और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर आप पैसा देना बंद कर देंगे तो आप बच जाएंगे, आपके बच्चे बच जाएंगे, वरना आपको पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको ये समझने का टाइम नहीं मिलेगा हुआ क्या है। पैसा देंगे तो आपका पैसा बचेगा, और जो अच्छे व्यक्ति आएंगे इकट्ठे होकर आएंगे उनको हम पैसा देंगे तो हमारा समाज बचेगा, समाज बचेगा तो हम बचेंगे। तो इसलिए पैसा उनको देना जहर हो गया है, इस जहर को मत दीजिए आप। ये जहर सीधे आपके बच्चों के पेट में जा रहा है, आपके बच्चे मारे जाएंगे, आप मारे जाएंगे, क्योंकि जो इकट्ठा होगा वो समाज के लिए सही मायने में अपना अहम अपना ईगो छोड़ के आएगा, वो हमारे काम का है। और जो व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगा वो हमारे काम का नहीं है। जो अब नहीं इकट्ठा हो सकता वो क्या काम करेगा, वो तो ईगो रहम वाला आदमी है, उस ऐसे आदमी का समाज में कोई काम नहीं है। इसलिए तुरंत पैसा देना बंद कर दीजिए और कहिए कि वी द पीपल समर संघ ने हमको ये कहा है कि पैसे मत दीजिए, पैसे देने से समाज मर रहा है। कोई अगर इसको प्रूव करके दिखा दे कि हमने पैसा दिया और हमारा समाज बचा है तो हम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेंगे। यानी कोई इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि जो हमने पैसा दिया उस पैसे से हमारा बचाव हुआ। अगर ऐसा होता तो जितना पैसा हमने दिया उस पैसे से जो चीज़ें हुई हैं उनसे हमारे अधिकार बचने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे, और हमारे चारों तरफ जय जयकार होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा पैसा हम खर्च करते हैं, हर आदमी पैसा देता है और फिर भी सबसे ज़्यादा परेशान हम ही हैं। तो सबसे आसान तरीका है इनको इकट्ठा करने का, पैसा देना बंद कर दीजिए। धन्यवाद। Sangam.